आज हम इसमें क्या करेंगे, टॉपिक नंबर दूसरा में परसेंटेज ऑफ स्टील। टॉपिक नंबर दूसरा में परसेंटेज ऑफ स्टील यानी कि इस्पात की प्रतिशत मात्रा परसेंटेज ऑफ स्टील इस्पात की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। अब इसमें है पी बराबर AST/B×D गुणे 100%, वेयर AST इज गिवेन। जब AST गिवेन है तो इसमें परसेंटेज पी बराबर AST/B×D गुणे 100%। वेन AST इज नॉट गिवेन, जब AST गिवेन नहीं है तब, जब यहाँ AST गिवेन नहीं है तब 50x²A/D(-XA). When AST is not given, जब AST आपको गिवेन नहीं है तब हम P बराबर 50x²A/D(-XA) डेरिवेशन यानी सॉल्यूशन कैसे हुआ, पी बराबर AST/B×D AST/B×D गुणे 100। AST बराबर या स्थिरीय गुणा हो जाएगा P×D×B/100। समीकरण एक, फॉर इकोनॉमिक सेक्शन मितव्यय खंड के लिए C बराबर T कंप्रेसिव फोर्स, स्ट्रेस बराबर फोर्स बटे एरिया। तो यहाँ C बराबर 0 प्लस सिग्मा CBC बटे 2 B × X B × X C बराबर सिग्मा CBC बटे 2 × BX फॉर इकोनॉमिक सेक्शन मितव्यय खंड के लिए C बराबर T कंप्रेसिव फोर्स C बराबर 0 प्लस सिग्मा CBC बटे 2 B × X C बराबर सिग्मा CBC बटे 2 × BX क्योंकि स्ट्रेस बराबर प्रतिबल बटे एरिया। अब उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बाद जो उसमें क्या था, कंप्रेसिव फोर्स के बाद अब इसमें टेंसाइल फोर्स या टेंशन तो क्या है इसमें टेंसाइल फोर्स
टेंसाइल फोर्स बराबर टी बराबर सिग्मा एस टी ए सिग्मा एस टी इंटू यम यम सिग्मा 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 ए एस टी सिग्मा यम ए एस टी सिग्मा कहा सिग्मा एस टी सिग्मा एस टी कैसे हुई ए एस टी एक अलग है ना ए एस टी सिग्मा एस टी एक बार देखेंगे क्या है सिग्मा टी बराबर सिग्मा एस टी बटे एम ए एस टी ठीक है वही तो ये वाला है गया मॉडुलर रेशियो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन ठीक यहाँ से एम कर लिया टी बराबर सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी अब यहाँ पर सिग्मा सी बी सी बटे टू यहाँ पर क्या है सिग्मा सी बी सी यहाँ पर क्या है सिग्मा सी बी सी बटे टू बी इंटू एक्स बी इंटू यक्स सिग्मा सी बी सी बटे टू बी इंटू एक्स बी इंटू एक्स बी इंटू एक्स बराबर सिग्मा एस टी सिग्मा एस टी और ए एस टी सिग्मा एस टी और ए एस टी फिर यहाँ पर b सिग्मा सी बी सी बटे टू बी इंटू एक्स बराबर सिग्मा एस टी और ए एस टी कैसे निकाला जाएगा इसमें ए एस टी निकालने के लिए पीछे वाले में जब पीछे वाला बताया गया था तो ए एस टी बराबर p × b × d/100 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन से मतलब फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट अब इसमें समीकरण फर्स्ट क्या था इसमें इसमें समीकरण फर्स्ट क्या था ऊपर समीकरण फर्स्ट बताया गया था EST = p × d × b × d आगे पीछे कर सकेगा सौ ठीक यहाँ पर ले आकर रखा गया ये क्वेश्चन नंबर वन था समीकरण वन से यहाँ पर ले आकर AST का मान रखा गया और इसमें हल किया गया इसे यहाँ पर 100 BX/2PBD = σST/σCBC क्वेश्चन नंबर टू सिमिलर ट्रेंगल से σCBC/X = σCBC/X = σCBC/YM और ये वाला इफेक्टिव डेप्थ माइनस यक्स ऑफ इन इसे हल किया गया इसमें यहाँ से इसे हल किया गया यहाँ पर त्रिज्या गुणा के बाद इतना आया पुटिंग इसको इस मतलब समीकरण दो से यहाँ पर क्या हुआ इसका मान रखा गया यहाँ पर m d - x/m त्रिज्या गुणा होने के बाद यहाँ पर इतना आया अब यहाँ पर आने के बाद 50x यानी कि इसे हल किया गया यहाँ पर क्या हुआ इससे ये कट गया से तो यहाँ कितना हुआ 50 यहाँ पर कितना हो गया
50 यहाँ पर 200 इसे कट गया और ये भी इसे इसे काट दिया गया। जब इसे काटा गया था यहाँ पर कितना 50 एक्स बाई पी एंड डी, पी एंड डी हो गया, पी एंड डी हो गया और सिग्मा एस टी बटे सिग्मा सी बी सी, सिग्मा एस टी बटे सिग्मा सी बी सी। यहाँ पर क्या हुआ एम और इसमें सिग्मा सी बी सी, सिग्मा सी बी सी यानी एक्स और इसमें सिग्मा एस टी एम डी माइनस एक्स। अब इसी के आगे है पी इंटू बी, क्या हुआ त्रियक गुणा हुआ, इसमें त्रियक गुणा होने के बाद त्रियक गुणा हो गया, त्रियक गुणा होने के बाद इसमें इतना है यहाँ पर पी बराबर परसेंटेज ऑफ स्टील। यह सूत्र इसमें इम्पोर्टेंट है, बस क्या सूत्र इम्पोर्टेंट है, सूत्र इम्पोर्टेंट है पी बराबर 50 एक्स स्क्वायर बटे एम डी डी माइनस एक्स। अब इसमें सब कुछ जो है आपको पता है पी बराबर परसेंटेज निकाले का है, ठीक परसेंटेज है, एम क्या है मॉडुलर रेशियो, आप क्या है एम क्या है मॉडुलर रेशियो है, क्या है मॉडुलर रेशियो है। इसमें डी क्या है इफेक्टिव प्रभाव यानी इफेक्टिव यानी इफेक्टिव डेप्थ है, प्रभावी गहराई है और इसमें यक्स का मान उसमें निकालने के लिए रहेगा, ठीक। अब इसमें टॉपिक नंबर पांच का तीसरा लीवर आर्म उत्तोलक भुजा, लीवर आर्म उत्तोलक भुजा, लीवर आर्म उत्तोलक भुजा, सी बराबर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्या है नहीं सॉरी सी बराबर कंप्रेसिव फोर्स, सी बराबर कंप्रेसिव फोर्स, क्या है कंप्रेसिव फोर्स, सी बराबर सिग्मा सी बी सी बाई टू, सिग्मा सी बी सी बाई टू बी इंटू एक्स, B into X, T बराबर टेंसाइल फोर्स, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, T बराबर टेंसाइल फोर्स, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। लीवर आर्म उत्तोलक भुजा संपीड़न बल तथा तनन बल के बीच की दूरी को उत्तोलक कहते हैं, लीवर आर्म उत्तोलक भुजा संपीड़न बल तथा तनन बल के बीच की दूरी को उत्तोलक कहते हैं, z बराबर d माइनस x बटा 3। डिजाइन फार्मूला z बराबर d माइनस k इंटू d बटे 3 ब्रैकेट बंद d z बराबर jd यफी 250 यफी 415 यफी 500 यफी 500। अब k का मान 0.039 और 0.28 0.25 और जे का मान निकाले खाते जे
डिजाइन फार्मूला जेड बराबर, पहले इसमें देखो लीवर आर्म, लीवर आर्म क्या, लीवर आर्म दोलक भुजा संपीड़न बल तथा तनन बल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उत्तोलक भुजा कहते हैं। संपीड़न बल तनन बल, संपीड़न बल तनन बल के बीच की दूरी को उत्तोलक कहते हैं, के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उत्तोलक, उत्तोलक कहते हैं। जेड बराबर डी माइनस ए वाला पूरा डी, यहाँ से यहाँ तक डी माइनस एक्स बाई थ्री, आधे दूरी निकालने के लिए एक्स बाई थ्री माइनस हुआ है इसमें, ठीक। जेड बराबर डी माइनस एक्स बटा थ्री, डिजाइन फार्मूला जेड बराबर डी माइनस, अब एक्स के स्थान पर के इंटू डी होगा, एक्स के स्थान पर के इंटू डी होगा। जेड बराबर एक माइनस के बटा थ्री ब्रेकट बंद डी, जेड बराबर जे डी, अब के का मान 0.39, 0.28, 0.25, जे बराबर 0.87, 0.91 और 0.92। अब इसमें चौथा नंबर, टॉपिक नंबर 5 का चौथा नंबर है इसमें, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें चार नंबर है टॉपिक नंबर 5 में, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेन फोर्स में चार में से पहला आपको क्या पढ़ने को मिला होगा इसमें देखा जाए तो, इसमें पहला था डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। पहला क्या था, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में दो थी था, कितना दो थी, पहला था एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यानी कि वास्तविक, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस वास्तविक बल शून्य रेखा, और दूसरा था क्या, बी नंबर था क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि क्रांतिक बल शून्य रेखा पहला हो गया। दूसरा नंबर इसमें क्या था परसेंटेज स्टील की परसेंटेज निकाले खातिर इसमें दूसरा था। और तीसरा क्या था लीवर आर्म। और इसमें चौथा नंबर कौन सा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध आघूर्ण, क्या प्रतिरोध आघूर्ण एम आर, जब किसी बीम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य करता है, तो उसके कारण बीम में बेंडिंग मोमेंट उत्पन्न होता है, इस बेंडिंग मोमेंट का विरोध करने के लिए बीम के अंदर से एक इंटरनल मोमेंट उत्पन्न होता है जिसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। फॉर सेफ्टी ऑफ बीम मोमेंट क्या, बेंडिंग क्या, मोमेंट कौन सा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ग्रेटर देन
ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी बेंडिंग मोमेंट, क्या होगा बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पर क्या होगा, बीम पर क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, यहाँ पर बीम क्या है अधिक है, बेंडिंग मोमेंट से यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है अधिक है। अब इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर ग्रेटर देन बेंडिंग मोमेंट, जब बेंडिंग मोमेंट अधिक हुई तो क्या हुई, बीम फेल हो जाएगी। जब यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से बेंडिंग मोमेंट अधिक हुई तुरंत क्या हुई, बीम फेल हो जाएगी। फिर आए कंप्रेसिव फोर्स या टेंसाइल फोर्स एंड लीवर आर्म के गुणनफल को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, कंप्रेसिव फोर्स या टेंशन फोर्स एंड लीवर आर्म के गुणनफल को बेंडिंग ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर सी इंटू जेड और मोमेंट रेजिस्टेंस बराबर, यानी सी का मतलब है कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म को किससे दर्शाती हैं, तो जेड से दर्शाती हैं। लीवर आर्म को किससे दर्शाती हैं, जेड से दर्शाती हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर कंप्रेसिव फोर्स इंटू क्या है जेड, लीवर आर्म। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म। अभी इसमें हम सूत्र बताएंगे, दो सूत्र इम्पॉर्टेंट हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए। इन दोनों सूत्र का इस चैप्टर में सवाल में बहुत उपयोग है। अब इसमें देखो मेरे भाई, अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें इन कंप्रेशन में मोमेंट रेजिस्टेंस लेना है एमआर बराबर सी इंटू जेड। ये जेड क्या है, उत्तोलक आर्म है, जेड यहाँ पर क्या है, उत्तोलक आर्म है। यहाँ पर एमआर बराबर सिग्मा सीबीसी बटे टू बी इंटू एक्स इंटू डी माइनस एक्स बाई तीन और इन टेंशन या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अब टेंशन इंटू लीवर आर्म मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई थ्री डिजाइन फार्मूला एम आर बराबर सिग्मा सी बी सी बटे टू बी के डी इंटू डी माइनस के डी बाई तीन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिग्मा सी बी सी बाई टू बी इंटू डी स्क्वायर के ब्रेकेट में एक माइनस के बाई
थ्री मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर एक माइनस के बाई थ्री बी सिग्मा सी बी सी बटे टू बी डी स्क्वायर, मोमेंट रेजिस्टेंस बराबर आर बी आर बी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर। इसमें के का मान निकालने के लिए या फिर 250 0.39 या फिर 415 0.28 या फिर 500 0.25। अब ये क्या है, परमिजिबल स्ट्रेस अनुज्ञेय प्रतिबल एम 15 3 एम 20 7 एम 25 8.5 एम 25 8.5। अब इसमें इसमें ए वाला सूत्र और ए वाला सूत्र, इन ये दोनों सूत्र सवाल में काम करेंगे, क्या करेंगे काम करेंगे। अब ये कहाँ सवाल में इन दोनों सूत्रों का प्रयोग होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए कंप्रेशन और टेंशन, कंप्रेशन में पूछेगा तो इसमें एम आर बराबर सिग्मा सी बी सी बटे टू बी इंटू एक्स डी माइनस एक्स बाई थ्री, और टेंशन में पूछेगा तो एम आर बराबर सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स बाई थ्री डी माइनस एक्स बाई थ्री।
नहीं पानी दिखाए बाकी एस्टी है ना अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हमें इनकम्प्रेशन यमआर क्या करना है, कंप्रेशन के लिए इसमें अगर हमें कंप्रेशन में यमआर का मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो आसान याद करने का तरीका देखो। याद करने के लिए आपको पहले हमें स्ट्रेस स्ट्रेस डायग्राम देखना होगा। इसका क्या स्ट्रेस डायग्राम देखो, स्ट्रेस डायग्राम में इसमें कंप्रेशन में इस कंप्रेशन एरिया में जो कंप्रेशन हो रहा है इसमें सिग्मा सी बी सी बटे टो क्या करोगा, सिग्मा सी बी सी का हाफ होगा, इसमें सिग्मा सी बी सी का हाफ होगा इनटू। अब इसमें क्या होगा, ये जो बीम पड़ी है ये जो बीम दिख रही है इसका क्या होगा बेर्थ इनटू और इस बीम का न्यूट्रल एक्सिस तक क्या होगा गहराई, न्यूट्रल एक्सिस तक क्या होगा इसकी गहराई। ठीक, कंप्रेशन में जब पूछे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन में तो भैया हमें याद आ जाना चाहिए ये ऊपर वाला एरिया इसे और इसे, अगर ये दोनों एरिया याद आ गया तो आप सूत्र को याद कर लोगे, नहीं तो इसे रट कर याद कर लो, लेकिन याद करना पड़ेगा इन दोनों को। तो इसमें क्या होगा सिग्मा सी बी सी बटे टू इंटू बी और यक्स बी यक्स हो गया। अब इसमें क्या है यक्स बाई थ्री है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यक्स बाई थ्री है, यक्स बाई क्या है थ्री है। तो इसमें ये जो इफेक्टिव डेप्थ है इसी में मुझे घटा देना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी, कंप्रेशन की दूरी यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगी।
तो इसमें इफेक्टिव डेप्थ माइनस एक्स बाई थ्री, एक्स बाई थ्री। ठीक, कंप्रेशन में याद करने के लिए सिग्मा सी बी सी बटे, ठीक, फिन आई इंटू ई का और ई का, यानी कि बिर्थ और बीम की, बीम की कंप्रेसिव दूरी, बीम की क्या है कंप्रेसिव गहराई, दूरी नहीं, बीम की चौड़ाई और इसमें बीम की कंप्रेसिव गहराई, बीम की कंप्रेसिव गहराई, और फिर बीम की ये जो सेक्शन है, सेक्शन का इफेक्टिव गहराई, सेक्शन का क्या करना है इफेक्टिव गहराई, फिर माइनस करना है इसमें एक्स बाई थ्री से, जो इसमें कंप्रेशन लग रहा है, कंप्रेशन एक्स बाई थ्री, कंप्रेशन लग रहा है एक्स बाई थ्री से। अब इन टेंशन, इन टेंशन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इन टेंशन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में हमें क्या करना है, टी इंटू जेड बराबर, यानी टी इंटू जेड बराबर मोमेंट रेजिस्टेंस बराबर सिग्मा। अब हमें क्या टेंशन, अब हमें नीचे वाले एरिया को देखो, क्या करना है नीचे वाला एरिया, अब नीचे वाला एरिया क्या बोलते हैं टेंशन बोलते हैं, नीचे वाले एरिया को क्या बोलते हैं टेंशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा सिग्मा एस टी, ए वाला, इस एम को, इसमें मोमेंट को हटा देना है, मोमेंट को इसमें हटा देना है, मोमेंट नहीं है मॉड्यूलर रेशियो है, मॉड्यूलर रेशियो को क्या करना है इसमें हटा देना है, मॉड्यूलर रेशियो को यहाँ से, यहाँ से हटा देना है इन दोनों एम को, फिर इसमें क्या करना है सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, अब इसमें क्या कर लेना है इफेक्टिव गहराई में माइनस कर देना है एक्स बाई थ्री को, एक्स बाई थ्री को इफेक्टिव गहराई में माइनस कर देना है। तो यहाँ से इन टेंशन मोमेंट रेजिस्टेंस, यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिरोध आघूर्ण, हिंदी में इसे क्या कहते हैं प्रतिरोध आघूर्ण में प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हम टॉपिक नंबर छठा, यानी लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ए वाला टॉप, ए वाला चौथा नंबर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और लास्ट टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आरसीसी बीम, इन दो सूत्रों का पूर्ण योग है, यानी कि पूर्ण योगदान है इस चैप्टर में, जितने न्यूमेरिकल लगेंगे इन दोनों का प्रयोग होगा सिंगली रेनफोर्स के लिए, यानी एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स में। अब देखो इसमें टॉपिक नंबर छठा, टॉपिक नंबर छठे में क्या है, टॉपिक नंबर छठे में है क्लासेस ऑफ आरसीसी बीम, क्लासेस ऑफ आरसीसी बीम, यानी आरसीसी, आरसीसी धरण की श्रेणिया, आरसीसी धरण की, आरसीसी धरण की श्रेणिया, आरसीसी धरण की श्रेणिया। तो इसमें कौन कौन सी आरसीसी धरण की श्रेणिया है, पहले है अंडर रेनफोर्सेड बीम, अंडर रेनफोर्सेड बीम, यानी कि अल्प प्रवाहित धरण, अल्प प्रवाहित धरण, और दूसरा, और इसमें दूसरा है ओवर रेनफोर्सेड बीम, दूसरा इसमें क्या है ओवर रेनफोर्सेड बीम, अति प्रवाहित धरण, और इसमें है बैलेंस, बैलेंस बीम, संतुलित भार धरण। अब इसमें देखो पहले कैसे जाना जाएगा कि अंडर रेनफोर्स बीम है, ओवर रेनफोर्स बीम है, और बैलेंस बीम है। तो इसमें देखो चित्र बनाया गया है, एक दो तीन, इसमें देखो तीन चित्र बनाया गया है। अब इस तीनों चित्र की माध्यम से हम इसे पहचान सकते हैं कौन अंडर है, कौन ओवर है, कौन बैलेंस सेक्शन है। बाकी अभी इसमें डिफिनेशन भी लिखा जाएगा, बाकी समझने के लिए हम इसे बनाए हैं ताकि बड़े आसानी से इसे याद किया जा सके, बाकी डिफिनेशन दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, जब इसमें लगेगा अंडर, अंडर रेनफोर्स बीम, अंडर रेनफोर्स बीम में क्या होगा, अंडर रेनफोर्स बीम में कंप्रेशन में बीम क्या होगा फेल होगा,
कंप्रेशन में बीम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा कंप्रेशन में? अंडर रेनफोर्स बीम में कंप्रेशन में क्या होगा, पहले पहले स्टील कंप्रेशन में ही फेल होगा। इसमें क्या होगा, इसमें टेंशन में फेल होगा। कहां पर जाके देखो, इसमें क्या होगा, कंप्रेशन एंड टेंशन। तो इसमें क्या होगा, पहले जाके इसमें वाले बीम जो है अंडर रेनफोर्स्ड बीम, अल्प प्रवाहित धरन में, इसमें क्या होगा, अल्प प्रवाहित धरन में जो एक्ससी है, एक्ससी क्या होगा, पहले इसमें एक्ससी, इसमें एक्ससी से पहले, एक्ससी से पहले क्या होगा, कंक्रीट से पहले, कंक्रीट और स्टील का खेला है इसमें। तो इसमें क्या होगा, पहले इसमें स्टील फेल होगा, ठीक, स्टील फेल होगा कंप्रेशन में, पहले इसमें स्टील फेल होगा, ठीक, इसमें पहले स्टील फेल होगा क्योंकि यह पहले स्ट्रेस ग्रहण कर रहा है। और इसमें होगा क्या, इसमें एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी। नहीं, पहले इसे थोड़ा भी कंफ्यूजन हम भी हैं, तो इसे देखने के लिए पहले एक सेकेंड इसे चित्र के माध्यम और डिफिनेशन के माध्यम समझाया जाए, ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी इसे याद करने के लिए, इसे याद करने के लिए कि अंडर है कि ओवर रेन फोर्स है कि बैलेंस बीम है, इन चित्र के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। अब इसमें क्या है, पहला इसमें अंडर रेन फोर्सेड बीम, क्योंकि आपको तीन बीम बताया गया था, तीन बीम में पहला अंडर रेन फोर्स बीम, दूसरा ओवर रेन फोर्स बीम और तीसरा बैलेंस सेक्शन बीम। अब इसमें क्या है, अंडर रेन फोर्स बीम यानी अल्प प्रवाहित धरन, हम चित्र के अनुसार बता रहे थे कि ऐसा ऐसा है। अब इसमें देखो, पहले जो डिफिनीशन है पहले इसे ठीक से पढ़ो, फिर इससे समझाते हैं कि कैसे ये निकला है। वह बीम जिसमें रेनफोर्समेंट स्टील की मात्रा अपेक्षाकृत कम यूज की जाती है, कि करें रेनफोर्समेंट स्टील की मात्रा अपेक्षाकृत कम यूज की जाती है, अंडर रेनफोर्स बीम कहलाता है, यानी कि इसमें स्टील का प्रयोग कम किया जाता है, ठीक, इसमें स्टील का प्रयोग कम किया जाता है। तो इसमें क्या है, अंडर रेनफोर्स बीम में बीम पहले टेंशन में फेल होती है, पहले क्या होगी, टेंशन में फेल होगी, इसीलिए देखो पहले इसमें एक्स ए है, फिर कहाँ होगा, कंप्रेशन में फेल होगा, एक्स सी आएगा, क्या आएगा, यक्स सी आएगा, क्योंकि स्टील कंक्रीट से पहले परमीजिबल स्ट्रेस ग्रहण कर लेती है। ये क्या है, स्टील पहले क्या कर रही है, परमीजिबल स्ट्रेस ग्रहण कर ले रही है यहाँ से, फिर उसके बाद कंक्रीट ग्रहण कर रही है। तो इसमें फेल पहले कौन होगा, जो इसमें पहले परमीजिबल स्ट्रेस ग्रहण करेगा वही पहले फेल होगा। तो इसमें कौन सा फेल होगा, इसमें यक्स क्या होगा, फेल होगा। तो इसमें यक से इज लेस हो जाएगा, और जो फेल नहीं होगा इसमें ग्रेटर देन हो जाएगा, तो इसमें यक्स सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक। तो इसमें सूत्र बन जाएगा यक्स ए, यानी कि यक्स ए बराबर, जब इसमें पूछा जाएगा अंडर रेनफोर्स बीम है, यानी कि यक्स ए बराबर बी यक्स स्क्वायर ए, बी यक्स स्क्वायर ए, यानी कि ए बी ए क्या है, बी
यक्स स्क्वायर ए, बी यक्स स्क्वायर ए बटे टू बराबर एम ए एस टी इफेक्टिव गहराई माइनस एक्स, माइनस एक्स ठीक, माइनस यक्स, यक्स ए बराबर बी यक्स स्क्वायर ए, बी यक्स स्क्वायर ए बाई टू ए एम ए एस टी इफेक्टिव गहराई में यक्स जो पहले फेल हो रहा है उसे माइनस कर देंगे, जो फेल हो रहा है इसमें पहले माइनस कर देंगे ठीक। अब इसमें ओवर रेनफोर्सेड बीम, ओवर रेनफोर्सेड बीम, ओवर रेनफोर्सेड बीम यानी अल्प प्रवाहित धारण, अल्प प्रवाहित धारण, अल्प प्रवाहित धारण, अल्प प्रवाहित धारण, अल्प प्रवाहित धारण वह बीम जिसमें रेनफोर्सेड स्टील की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब इसमें क्या होगा ओवर रेनफोर्स बीम, अब इसमें क्या होगा स्टील अपेक्षाकृत अधिक होगी, उसमें क्या था स्टील कम था, तो इसमें क्या है अपेक्षाकृत अधिक यूज की जाती है, ओवर रेनफोर्स बीम कहलाती है। अब इसमें ओवर रेनफोर्स बीम में, बीम में ओवर रेनफोर्स बीम में बीम पहले कंप्रेशन में फेल होता है, क्या होता है कंप्रेशन में फेल होता है, उसमें क्या होता था टेंशन में फेल होता था, टेंशन में जब फेल हुआ था, टेंशन में फेल होती है क्योंकि कंक्रीट इसमें क्या होगा इसमें पहले कंक्रीट स्टील से पहले परमिजिबल स्ट्रेस ग्रहण कर लेती है, इसमें क्या हो रहा है कंक्रीट पहले परमिजिबल स्ट्रेस ग्रहण कर ले रहा है, तो फेल कौन होगा इसमें कंक्रीट फेल होगा, कौन फेल होगा कंक्रीट फेल होगा, इसमें फेल कौन होगा कंक्रीट फेल होगा, इसमें इसमें क्या होगा कंक्रीट फेल होगा, जब कंक्रीट फेल होगा तो भैया इसमें जो फेल होगा वो ग्रेटर देन जो फेल, इसमें जो फेल हो रहा है उसे इस उसे छोटा और जो बड़ा हो रहा है ग्रेटर देन, और जो फेल जो छोटा उसे इज लेस देन ठीक, तो इसमें कौन सा होगा ग्रेटर देन यानी कि इसमें यक्स ए, यक्स ए ग्रेटर देन, यक्स ए ग्रेटर देन रहेगा और फिर सी इज लेस ठीक, यक्स ए ग्रेटर देन यक्स सी, यक्स ए ग्रेटर देन यक्स सी, तो इसमें सूत्र होगा यक्स सी बराबर यम सिग्मा सी बी सी यानी कि यम सिग्मा सी बी सी, इसमें क्या होगा यम सिग्मा सी बी सी इंटू बी, यम सिग्मा सी बी सी इंटू बी बटे यम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, जो इसका स्ट्रेस निकाला जाएगा स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस, तो ऐसे 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 ठीक, तो इसमें क्या सिग्मा सी बी सी होता था यहाँ पर, यहाँ सिग्मा ए एस टी बाई, सिग्मा ए एस टी बाई, सिग्मा ए एस टी नहीं सिग्मा एस टी बाई एम, सिग्मा एस टी बाई एम, तो इसमें क्या होगा यम सिग्मा सी बी सी और इसमें यम सिग्मा सी बी सी इंटू डी, इंटू डी ये जो है गहराई बटे यम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, सिग्मा एस टी, तो इसमें क्या होगा अब ओवर रेनफोर्स बीम में, ओवर रेनफोर्स बीम में क्या होगा पहले इसमें इसमें कंप्रेशन, पहले इसमें क्या होगा कंक्रीट फेल होगा, इसमें इसमें क्या होगा कंक्रीट क्या होगा इसमें इसमें कंक्रीट यानी कंप्रेशन में फेल होगा, कंक्रीट इसमें क्या होगा कंप्रेशन में फेल होगा यानी स्टील इसमें कंप्रेशन में इसमें क्या होगा पहले कंक्रीट कंप्रेशन में फेल होगा इसमें,
और उसमें क्या हुआ था, उसमें टेंशन में फेल हुआ होता, तो इसमें क्या हुआ, यक्स ए ग्रेटर देन यक्स सी बराबर यक्स सी बराबर नहीं। अब इसमें होगा यक्स ए बराबर, इसमें इसमें यक्स सी बराबर यम सिग्मा सी बी सी बटे यम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। बैलेंस सेक्शन तीसरा, बैलेंस सेक्शन संतुलित धरण वह बीम जिसमें रेनफोर्समेंट स्टील की मात्रा आवश्यकता अनुसार यूज की जाती है बैलेंस बीम कहलाती है। बैलेंस बीम में बीम टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों में, टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों में एक साथ फेल होती है, क्योंकि इसमें स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ फेल होती है। इसमें क्या करता है, दोनों कंप्रेशन और टेंशन दोनों एक साथ फेल होते हैं, और इसमें स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ फेल होते हैं, और इसमें स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ परमिजिबल स्ट्रेस ग्रहण करते हैं। ये नया बैलेंस सेक्शन है, इसमें यक्स ए बराबर यक्स सी बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। अब इसका न्यूमेरिकल कल लगेगा, इस चैप्टर का कल से न्यूमेरिकल, सिंगली रेनफोर्स बीम में न्यूमेरिकल, और इसमें सूत्र कौन कौन सा।